कुल 60 खिलाड़ी होंगे रिटेन, जिनमें से 25 खिलाड़ियों पर होने वाला है आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल। चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं सभी 10 टीमों की फाइनल और कंफर्म रिटेन लिस्ट। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ। हैदराबाद 4 खिलाड़ियों को नीलामी से पहले प्रॉपर रिटेंशन देने वाली है, जिसमें से पहली रिटेंशन इनके कप्तान पैट कमिंस 18 करोड़ में रिटेन होंगे, दूसरी रिटेंशन ट्रेविस हेड होंगे 14 करोड़ में, और तीसरी रिटेंशन हेनरी क्लासन होने वाले हैं 11 करोड़ रुपयों में। तो वही दोस्तों चौथी रिटेंशन के रूप में अब्दुल समद आएंगे, अनकैप्ड प्लेयर के रूप में अब्दुल समद 4 करोड़ में रिटेन होंगे। आपको एक अनकैप्ड प्लेयर नियमानुसार रिटेन करना ही है, और पहले इनका प्लान था नीतीश रेड्डी को रिटेन करने का, लेकिन इंडिया बांग्लादेश सीरीज में नीतीश रेड्डी कैप्ड हो चुके हैं, तो अब वो एज ए अनकैप्ड प्लेयर रिटेन नहीं हो सकते। अब्दुल समद को इनको रिटेन करना पड़ेगा। ये 4 प्रॉपर रिटेंशन रहेगी। लेकिन अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भैया अभिषेक शर्मा का क्या होगा, नीतीश रेड्डी का क्या होगा। दरअसल दोस्तों 2 आरटीएम कार्ड रहेंगे हैदराबाद के पास नीलामी में यूज करने के लिए, जिनका इस्तेमाल दोस्तों या तो अभिषेक शर्मा या भुवनेश्वर कुमार, मार्कराम नटराजन और रेड्डी, इन 5 में से किन्हीं 2 खिलाड़ियों पर कर पाएंगे। ज्यादातर चांसेस दोस्तों मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा और नीतीश रेड्डी के ही बताए जा रहे हैं कि इन दोनों में से दोनों के ऊपर आरटीएम कार्ड का यूज होगा। भुवनेश्वर कुमार हो गए, टी नटराजन हो गए, इनसे हाथ धोना पड़ सकता है हैदराबाद की टीम को। हैदराबाद के इस पूरे रिटेंशन में एक प्रॉब्लम है गेंदबाज की। ये जितने भी खिलाड़ी रिटेन कर रहे हैं उसमें भारतीय गेंदबाज नहीं है, और भुवनेश्वर कुमार ने काफी लंबा सर्व किया हुआ है इससे पहले। तो क्या रिटेंशन इनके लिए फायदेमंद, एडवांटेज देगी, फायदेमंद साबित होगी, ये तो आप बता दो नीचे कॉमेंट बॉक्स में। आपके हिसाब से हैदराबाद के 6 रिटेन प्लेयर्स कौन होने चाहिए कॉमेंट बॉक्स में बताओ, और हैदराबाद के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब लखनऊ की बात करते हैं। तो लखनऊ के लिए भी स्थिति सही नहीं है। इंडिया बांग्लादेश सीरीज के बाद मयंक यादव कैप्ड हो चुके हैं, अब आप उनको भी अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में केएल राहुल फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड़ रुपए, और सेकंड रिटेंशन ये लोग मयंक यादव को 14 करोड़ में दे सकते हैं। मयंक यादव नीलामी में गए तो 20 करोड़ में बिकेंगे, भविष्य है हिंदुस्तान की तेज गेंदबाजी का। ऐसी स्थिति में लखनऊ के लिए बहुत फायदेमंद होगा इन्हें रिटेन करना। तो वही दोस्तों अगर मैं बात करूं अनकैप्ड रिटेंशन की, तो इनकी एक अनकैप्ड रिटेंशन अरशद खान हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है यश ठाकुर भी इनके पास विकल्प है। अब ये लोग मयंक यादव को यूज नहीं कर सकते एज ए अनकैप्ड, तो दैट्स वाई इनको ठाकुर को या फिर खान को देखना पड़ेगा। तो ये 3 इनकी रिटेंशन होगी। अब बचे इनके पास 3 आरटीएम कार्ड नीलामी में। ये 3 आरटीएम कार्ड या तो ये डीकॉक या मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पंड्या, रवि बिश्नोई और निकोलस पूरन, इन 5 में से किन्हीं 3 पर ये आरटीएम कार्ड का करेंगे। ज्यादातर चांसेस अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है डीकॉक के अच्छे चांसेस रहेंगे, पूरन के अच्छे चांसेस रहेंगे और रवि बिश्नोई के अच्छे चांसेस रहेंगे। बाकी देखते हैं लखनऊ क्या प्लान कर रही है। इतना तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं दोस्तों, और मुझे लगता भी है कि ये सही कर रही है लखनऊ, कि इनका जो मेन फोकस है वो रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा नीलामी में आएंगे, इसके चांसेस काफी हाई लग रहे हैं अभी जिस तरह के बयान और चीजें हम देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लखनऊ के लिए ये बेस्ट तरीका है रिटेंशन का, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये फिर रोहित शर्मा को टारगेट कर पाएंगे और रोहित 25-30 करोड़ के आसपास मिलेंगे, बड़े महंगे मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम के बाद अब दिल्ली की टीम की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है ना, तो रिटेंशन की एक एक अपडेट रिटेंशन वाले दिन लाइव चलेगी हमारे टेलीग्राम पेज पर, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिए। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम के अलावा अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया ना, तो yes.mcp हर रोज एक रील 1 मिनट क्रिकेट का तड़का आपको मिलता है हमारे रील पेज पर इंस्टाग्राम पर, उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली की टीम की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के 3 रिटेंशन दोस्तों कंफर्म है। ऋषभ पंत दिल्ली की पहली रिटेंशन होंगे 18 करोड़ रुपयों में, दूसरी रिटेंशन दिल्ली की टीम की रहेंगे अक्षर पटेल 14 करोड़ रुपयों में रिटेन होंगे, और तीसरी रिटेंशन मुझे अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में स्वास्तिक चिकारा लगभग कंफर्म नाम नजर आ रहा है, रिसेंटली यूपी टी20 लीग में खूब चले थे। तो ये 3 खिलाड़ी दोस्तों कंफर्म लग रहे हैं अभी की डेट में दिल्ली के, जिसमें 18 और 14 करोड़ की प्रॉपर रिटेंशन दिल्ली देगी और एक अनकैप्ड रिटेन करेगी। अब इनके पास 3 आरटीएम कार्ड दिल्ली के पास बचेंगे, जिसका इस्तेमाल ये कुलदीप यादव, मैकगर्ग, स्टब्स या नॉटजी, इन 4 में से किसी 3 पर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है नॉटजी पर ये ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का रिटेन होना कंफर्म लगभग हो चुका है, तो यहां से ऋषभ पंत की एंट्री तो आप पक्की मानकर चलिए, इनके मालिक बोल चुके हैं। हां, वार्नर और पृथ्वी शॉ का पट्टा कटने वाला है 100%, आपको मैं कहीं लिख कर दे सकता हूं, बड़े करीबी सोर्सेस ने कंफर्म करा है। दिल्ली ना शॉ के बारे में सोच रही
रही है ना वार्नर के बारे में सोच रही है। मतलब वार्नर जो कि दुनिया की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब शायद नई टीम तलाशेंगे नीलामी में। कितने पैसे में बिकेंगे? मुझे बहुत ज्यादा पैसों की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछली नीलामी में जब दिल्ली ने भी खरीदा था तो 6.5 करोड़ में ही खरीदा था। बाकी दिल्ली के फैन हो तो बताओ आपके हिसाब से इनकी रिटेंशन कैसी रहनी चाहिए, और दिल्ली के लिए लाइक बनता है, नहीं किया है तो कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिल्ली की टीम के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की टीम की बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स फंसी हुई है क्योंकि राजस्थान के पास इतने सारे खिलाड़ी थे ना रिटेन करने के लिए कि राजस्थान के लिए तय करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टॉप 3 की बात करूं तो वहां पर राजस्थान को कोई संदेह नहीं होगा। सैमसन पहली रिटेंशन 18 करोड़, बटलर दूसरी रिटेंशन 14 करोड़, और जयसवाल तीसरी रिटेंशन 11 करोड़ है। मेरे हिसाब से बेस्ट अमाउंट है तीनों के लिए, और इससे बेस्ट तीनों को शायद नीलामी में ना मिले, क्योंकि नीलामी में बहुत प्लेयर्स बिकने आ रहे हैं और हर खिलाड़ी पर 20 करोड़ माफ कीजिए नहीं बरसेगा। अनकैप्ड प्लेयर मुझे लगता है कुलदीप सेन रहेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा विकल्प है नहीं। फिर आप संदीप शर्मा की तरफ भी देखते हो, जो कि एक तरह से धोनी के काइंड ऑफ है, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो धोनी वाली कैटेगरी में आते हैं अनकैप्ड बनकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुलदीप सेन के ऊपर ज्यादा भरोसा यहां पर राजस्थान दिखाएगी, क्योंकि भविष्य में आपको एक खिलाड़ी मिलता है। अब बात करते हैं आरटीएम कार्ड की। 2 आरटीएम कार्ड राजस्थान के पास नीलामी में रहेंगे, जिनका इस्तेमाल ये पराग, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, इन 3 में से किसी एक पर कर सकते हैं। यूजी एक बहुत बड़ा एसेट है इनके पास, जिसके ऊपर भी ये लोग जो है आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों 3 या 4 खिलाड़ी हैं इनके पास, जिनमें से इन्हें आरटीएम करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 2 आरटीएम कार्ड इनके पास है, युजवेंद्र चहल के ऊपर तो पक्का आरटीएम हो ही रहा है। दूसरा आरटीएम किस पर हो रहा है आप बताओ कमेंट बॉक्स में, और राजस्थान के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं राजस्थान रॉयल्स के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की दोस्तों अब बात कर लेते हैं। चेन्नई के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर दो, क्योंकि चेन्नई बड़ी धर्म संकट में फंसी हुई है। चेन्नई काफी रिटेंशन टेंशन में फंसी हुई है। पहली रिटेंशन गायकवाड़ 18 करोड़, दूसरी रिटेंशन जड्डू 14 करोड़, दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। मतलब जड्डू को हो सकता है फर्स्ट रिटेंशन मिल जाए, गायकवाड़ को सेकंड मिल जाए, लेकिन रहेंगे ये दोनों ही। तीसरी रिटेंशन इनके लिए बड़ी पहली है, 11 करोड़ में किसको रिटेन करें? मेरे हिसाब से दीपक चहर, क्यों? क्योंकि आपको एक भारतीय तेज गेंदबाज मिलता है, जो कि नीलामी में मिलना बड़ा आपको मुश्किल है। इंडियन पेसर्स मिलना बड़ा मुश्किल होते हैं, वेरिएशन लेकर आते हैं, इंजरी एक इशू है इनका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में अगर आप पाथिराना, कॉनवे, शिवम दुबे को देखते हो और दीपक चहर को देखते हो, और अगर दीपक चहर आपको पूरा सीजन फिट रहते हैं, इंजर्ड नहीं रहते हैं, तो फिर इनसे अच्छा ऑप्शन आपके पास 11 करोड़ में नहीं मिलेगा। और मैं तो हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि आईपीएल की जो टीमें होती हैं उनको इंडियन पेसर्स की आवश्यकता होती है, और आपके पास बैठा हुआ है चहर। चौथी रिटेंशन मुझे लगता है अनकैप्ड प्लेयर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी रह सकते हैं, यह मेरी राय है दोस्तों। अलग हो सकती, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पातिराना को प्रॉपर रिटेंशन नीलामी से पहले मिलनी चाहिए, बहुत सारे लोग कॉनवे का नाम लेंगे। मेरे हिसाब से चेहर, आपके हिसाब से कौन, कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी आरटीएम कार्ड की दोस्तों अब हम बात करते हैं, माफ कीजिए, 2 आरटीएम कार्ड रहेंगे दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास, जिनका इस्तेमाल ये शिवम दुबे, कॉनवे और पातिराना, इन 3 में से किन्हीं 2 पर करेंगे। चांसेस यही है कि कॉनवे और पातिराना पर ज्यादा फोकस रहे, जो सस्ता मिल जाए उसके पीछे चेन्नई जाए। मुश्किल रहेगी चेन्नई के लिए, काफी मुश्किल है रिटेंशन चूज करना। आप शिवम दुबे को भी नहीं छोड़ सकते, आप कॉनवे को भी नहीं छोड़ सकते, आप पातिराना को भी नहीं छोड़ सकते। रिसेंटली एक सीरीज चल रही थी न्यूजीलैंड की, जिसमें कॉनवे बोल चुके हैं कि भाई उन पर अभी तक कॉल ऐसा कोई आया नहीं है। तो सीधी बात है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किल तो हो रही है। बाकी चेन्नई के रिटेन प्लेयर्स आरटीएम से आपके हिसाब से कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, और चेन्नई के फैन हो लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, क्या कर रहे हो, लाइक का बटन नीचे है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम की बात करते हैं, जिससे धर्म संकट का भी धर्म संकट अगर कोई टीम में है ना, वो है बंबई की टीम। क्योंकि बंबई को तो रोहित शर्मा छोड़ो, ये चूज करने में इशू हो रहा है कि जो है खिलाड़ी उनमें से किसको रिटेन करें। मेरे हिसाब से पहली रिटेंशन पंड्या को मिलेगी 18 करोड़ में अगर वो कप्तानी करेंगे। दूसरी रिटेंशन सूर्या अगर मान जाते हैं 14 करोड़ में मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है अगर सूर्या नहीं माने तो बड़ी मुश्किल में ये लोग फंसेंगे, अगर मान गए तो 14 करोड़ बेस्ट अमाउंट। तीसरी रिटेंशन तिलक वर्मा 11 करोड़, चौथी रिटेंशन 18 करोड़ में फिर बुमराह, क्योंकि बुमराह 18 से नीचे देना मुंबई को शर्म आएगी। बुमराह जैसे खिलाड़ी को आप 18 से नीचे नहीं दे सकते भाई, वो बंदा 25-30 में वैसे ही नीलामी में बिक जाएगा। सूर्या भी 25-30 में वैसे ही नीलामी में बिक जाएगा। यही तो चिंता है मुंबई की, अनकैप्ड प्लेयर तो भैया निहाल वडेरा रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये लिस्ट मैंने बनाई है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं मुझे खुद इस लिस्ट पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे खुद पर, मुझे इस लिस्ट पर इसलिए भरोसा नहीं, मुझे भाई सूर्या यादव 14 करोड़ डाउट है भाई। 14 करोड़ में आप ले रहे हो इतने बड़े खिलाड़ी को जो भारत का कप्तान है। तो मेरे हिसाब से लिस्ट तो मैंने बनाई है, लेकिन इस लिस्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ियां होने वाली है, उसके लिए हम रेडी रहेंगे। सबसे पहले मैं ही बताऊंगा क्या हुई। 1 आरटीएम कार्ड इनके पास रहेगा, जिसका इस्तेमाल या रोहित शर्मा, टिम डेविड, तिलक वर्मा, इन तीनों में से किसी एक पर कर सकते हैं। माफ कीजिए, ईशान किशन, तिलक वर्मा नहीं, ईशान किशन पर कर सकते हैं। तिलक वर्मा ऑलरेडी रिटेन होंगे।
मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि रोहित शर्मा पर तो ये करेंगे नहीं, लिस्ट में नाम जरूर है। अब टिम डेविड या ईशान किशन में से जो सस्ता मिल जाएगा उसको करेंगे, चांसेस डेविड के ज्यादा है बिकॉज डेविड आपको एक फॉरेन ऑप्शन देते हैं, आप फॉरेनर को भी खिलाना है आपको प्लेइंग 11 में, विदाउट फॉरेनर आप लीग तो खेलोगे नहीं, तो टिम डेविड फिर एक अच्छा विकल्प आरटीएम के लिए बनते हैं बंबई की टीम के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, आप बताओ भाई बंबई के 6 रिटेंशन कौन होंगे, आरटीएम कौन होंगे, और मुंबई के फैन लाइक नहीं किया है तो कर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के बाद केकेआर की टीम की। केकेआर वो टीम थी जो शुरुआत से कह रही थी कि उन्हें मेगा ऑक्शन नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए लिस्ट देख लो, कंफर्म रिटेंशन है एंड्रे रशल फर्स्ट रिटेंशन हो सकते हैं, रिंकू सिंह सेकंड रिटेंशन हो सकते हैं, सुनील नरीन थर्ड रिटेंशन हो सकते हैं। ये नई लिस्ट मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि भैया कुछ सोर्सेस के हवाले से खबरें आई है, खबरें यह है कि श्रेयस अय्यर को ये लोग नीलामी में डालकर और कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं। श्रेयस अय्यर की कीमत 18 करोड़ नहीं है, यह मानना है केकेआर के मैनेजमेंट का। बहुत सटीक खबरें जो अंदर से आई है वो बता रहा हूं। एंड्रे रसल इनको चाहिए क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी है, ये खिलाड़ी आपको सब कुछ देता है और इसीलिए ये हर साल इनको रिटेन करते हैं। नरीन भी इनको चाहिए, रिंकू सिंह चाहिए ही चाहिए, तो ये तीन को रिटेन करेंगे। अगर हर्षित राणा बांग्लादेश सीरीज में कैप्ड हो गए तो वो नहीं होंगे, अदरवाइज हर्षित राणा अनकैप्ड रिटेंशन होंगे 4 करोड़ में, अदरवाइज वो नहीं मिले तो सूर्यस शर्मा होंगे, तो इन दोनों में से कोई एक अनकैप्ड रिटेंशन बनेगी। ये कंफर्मेशन केकेआर के बहुत करीबी सोर्सेस से आई है और कुछ रिपोर्ट तो ऐसी भी है कि केकेआर वाले गंभीर साहब से बातचीत कर चुके हैं कि भैया ये हर्षित राणा को डेब्यू मत कराना ताकि हम इसे अनकैप्ड के रूप में ले सकें। अब गंभीर मानेंगे नहीं, ये तो समय बताएगा, आखिरी टी20 अभी बचा है। आरटीएम देख लेते हैं, श्रेयस अय्यर दो आरटीएम कार्ड इनके पास रहेंगे, श्रेयस अय्यर कंफर्म, मिचेल स्टार्क, चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर और फिल सॉल्ट, इन चार में से किसी एक पर बचा हुआ एक आरटीएम कार्ड यूज होगा। यह अय्यर को छोड़ेंगे नहीं लेकिन कम कीमत पे लेंगे और फिल सॉल्ट के चांसेस फिर यहां से बढ़ जाते हैं। लेकिन वही बात है कि आपको चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर ऐसे खिलाड़ियों को नीलामी में डालना पड़ रहा है और आप कोई भी कॉम्बिनेशन हटा लो। अगर आप चक्रवर्ती को नीलामी से पहले रिटेन करते हो तो फिर आपको रसल को नीलामी में डालना पड़ेगा या नरीन को डालना पड़ेगा, बड़े प्लेयर्स तो इनके जाएंगे। दैट्स व्हाई तो ये लोग बोल रहे थे कि हमें भैया नहीं चाहिए बड़ी नीलामी, हम छोटी नीलामी से खुश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आरसीबी की टीम की बात करते हैं। आरसीबी के फैनों लाइक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफी ऑब्वियस डिसीजंस रहेंगे आरसीबी के, बस एक ही कंफ्यूजन इनकी कप्तानी में रहेगा। विराट कोहली फर्स्ट रिटेंशन, मोहम्मद शिराज सेकंड रिटेंशन, पाटीदार थर्ड रिटेंशन, 18, 14 और रिस्पेक्टिवली 11 करोड़ रुपए में, अनकैप्ड प्लेयर के रूप में अनुज रावत आएंगे 4 करोड़ में। मेरे हिसाब से ये सही रहेगा आरसीबी को फ्यूचर को देखते हुए, आपको युवा खिलाड़ी मिल रहे हैं, आपको इंडियन कोर मिल रहा है, तो आरसीबी को ये करना चाहिए। पिछली कई वीडियोस में मैंने प्लेसिस का रिटेंशन बताया है, लेकिन क्या 14 करोड़ 40 साल के प्लेसिस डिजर्व करते हैं, इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप आरटीएम कार्ड का यूज करते हो प्लेसिस के ऊपर, 2 आरटीएम कार्ड इनके पास फिर नीलामी में रहेंगे, 1 आरटीएम कार्ड प्लेसिस आपको 10-11 करोड़ में, उससे कम में भी मिल सकते हैं, क्योंकि 40 साल के विदेशी खिलाड़ी पर कोई भी टीम 20-15 करोड़ नहीं लगाएगी। एंड दैट्स व्हाई आपको प्लेसिस सस्ते में मिलेंगे, शायद 6 या 7 करोड़ की रेंज में मिल जाए, और विल जैक्स और यश दयाल इन दोनों में से बचा हुआ 1 आरटीएम कार्ड और यूज हो जाएंगे, तो 2 आरटीएम कार्ड नीलामी में रहेंगे इनके पास। प्लेसिस, जैक्स, दयाल, इन तीन में से किन्हीं दो पर इसका इस्तेमाल होगा, चांसेस जैक्स और प्लेसिस के ज्यादा है। बाकी आप बताओ दोस्तों आरसीबी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, आरसीबी इस टॉप लीग को छोड़ेगी, आरसीबी टॉम करन को छोड़ेगी, छोड़ना भी पड़ेगा, इन्होंने परफॉर्म किया नहीं है। बाकी आरसीबी के फैनों लाइक नहीं किया तो कर देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आरसीबी के बाद पंजाब किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं। पंजाब के लिए वैसे तो खिलाड़ी रिटेंशन करना थोड़ी सी मुश्किल है, इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि किसको रिटेन करें, इनके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिनको 18-18 करोड़ रुपए दिए जाए। मेरे हिसाब से एक है अर्शदीप सिंह, 18 करोड़ पहली रिटेंशन रहेगी, अनकैप्ड प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा रहेंगे, मेरे हिसाब से ये दो ही रिटेंशन रहेगी और इसके अलावा कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं आएगा इनकी रिटेंशन में। तो 18 करोड़ अर्शदीप सिंह पहली रिटेंशन और 4 करोड़ रुपए में आशुतोष शर्मा एज ए अनकैप्ड रिटेंशन, ये 2 रिटेंशन पंजाब किंग्स की रहने वाली है। अब बचे आरटीएम कार्ड, 4 आरटीएम कार्ड इनके पास नीलामी में रहेंगे जिनका इस्तेमाल ये रबाडा हो गए, बेस्ट्रो हो गए, सैम करन, जीतेश शर्मा, हर्षल पटेल, सिकंदर रजा, इन 6 में से किन्हीं भी 4 खिलाड़ी पर कर सकते हैं जो सस्ता मिल जाए। पंजाब का फोकस इनमें से किसी को भी डेस्परेटली लेना नहीं होगा, जो सस्ता मिल जाएगा उसको पंजाब लेगी, क्योंकि पंजाब इज इन रीबिल्डिंग फेज, पंजाब अपने आप को रीबिल्ड कर रही है, खिलाड़ियों को सही कीमत दे रही है। आप सैम करन को 18.5 करोड़ दिए थे, 8 करोड़ भी नहीं देगा इस बार कोई, आपने रबाडा को अच्छा पैसा दिया था लेकिन हमने इंटरनेशनली उनका फॉर्म देखा है। तो कुल मिलाकर पंजाब किंग्स की टीम 2 ही खिलाड़ी रिटेन करेगी जिसमें से एक अनकैप्ड रहेंगे, बाकी सब पर आरटीएम। स्टीव स्मिथ को नीलामी में रिकी पोंटिंग खरीदने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आने वाली वीडियोस में उस पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी की स्थिति में तो भैया पंजाब के फैनों लाइक नहीं किया तो कर देना। बात करते हैं अब भैया गुजरात की टीम की। पहली रिटेंशन गिल, दूसरी रिटेंशन राशिद खान, 18 और 14 करोड़ में कंफर्म है। तीसरी रिटेंशन मोहित शर्मा अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में, वही धोनी वाला लॉजिक, ये भी अनकैप्ड बन जाएंगे।
अब बात करते हैं आरटीएम कार्ड की, तो सुदर्शन, शामी, विजय शंकर और मिलर, इन चार में से किन्हीं तीन के ऊपर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल गुजरात करेगी। तो यदि भाई हर टीम के रिटेंशन और आरटीएम, टोटल 35 खिलाड़ी नीलामी से पहले रिटेन होंगे, 25 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नीलामी में होने वाला है, किन किन पर हो सकता है वो भी मैंने बता दिया। अब कॉमेंट बॉक्स में आप बताओ दोस्तों कि हर टीम में से कौन बेहतर स्थिति में है। बाकी भैया इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, नीचे लिंक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।